Hello, welcome students. You are watching a mathematics class on exercise decimal from 7A. This is the first part of the decimals, okay? So here, decimal ka matlab kya hai? Jisme point hote hain, clear? So isme kya bola dekho? Write the decimal equivalent of. Isme aapko dimag mein rakhna hai ki yahan pe main aapko pehle dheere dheere step bataunga. Ye jo likha hai 6 into 10, iska mere paas kya aa gaya? 60 आ गया. यह क्या है प्लस, यह क्या हो जाएगा 5/10, ओके प्लस ये जो है ये बनता है ये पॉइंट के बाद में 2 × 1/10 यानी कि 2/10 ये हो जाएगा 8/100, ओके. अब देखो जो फ्रैक्शन पार्ट जो है इसमें दिखा रहा है वो पॉइंट के बाद में होना चाहिए, ओके. तो अब आप देखोगे 60 + 5 क्या बन गया 65 पॉइंट. अब ये दोनों कौन सा पार्ट है फ्रैक्शन में, तो इसलिए मैंने क्या लगा दिया पॉइंट. तो ये 10th पार्ट है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 0.2. ये क्या 100th के बाद 100 आता है, तो ये क्या हो जाएगा 8. तो इस तरह से ये हमारा आंसर आ जाएगा 65.28. क्लियर हो गया. नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2. डिटरमाइन वेदर द गिवन पेयर ऑफ डेसिमल आर लाइक, अनलाइक और इक्विवेलेंट. हमें ये देखना है कि ये लाइक है कि अनलाइक है या तो इक्विवेलेंट है. अब देखो इसमें आप देखोगे 12.03, इसमें लिखा है 120.3. आप इसमें दिमाग में रखोगे कि ये जो है तो आपको जो भी देखना है पॉइंट के बाद वाले में देखना है. तो आप यहाँ देखोगे ये आपका कितना प्लेस डेसिमल है, 2 प्लेस डेसिमल है, और ये कितना है 1 प्लेस डेसिमल है. मतलब पहले वाला 2 प्लेस है और ये 1 प्लेस है, तो ये बराबर नहीं है, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा अनलाइक डेसिमल. क्लियर हो गया. अब इसमें देखो, इसमें मैंने पहले ही बताया कि हमें क्या क्या देखना है, पॉइंट के बाद वाला देखना है. पॉइंट के बाद में यहाँ पे कितना है, कितना प्लेस है पॉइंट के बाद में, 2 प्लेस है, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 और 7 है, इसलिए 2 प्लेस हो गया. ये भी पॉइंट के बाद कितना है, 2 प्लेस है. ये 2 प्लेस है, अलग अलग नंबर है ना. तो अगर ये 2 प्लेस है तो मैं समझूंगा कि ये मेरा क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट. क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट. क्लियर हो गया. नेक्स्ट आ जाओ, ये जो है इसमें आप देखोगे और 0.4 है, यहाँ पे 0.40 है, ओके. तो हम इसमें देखेंगे कि इसमें जो है तो आप देखोगे ये जो है तो अगर ये 0.4 है, ये देखो ये दोनों सब एक ही है, तो अगर मैं 0.4 के बाद में यहाँ अगर जीरो, ये जीरो है तो जीरो पे मतलब नहीं है, है ना. अगर मैं इसको जीरो लगा दूं तो ये भी 40, ये भी तो 40 हो गया, यानी कि 2 प्लेस है दोनों में. तो इसलिए अगर इस पर नहीं भी लगाते हैं कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा लाइक डेसिमल, सॉरी लाइक क्या लिखेंगे डेसिमल, ओके. अब ये है क्वेश्चन नंबर 3. इसमें बोला गया कि राइट इन असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है छोटा से बड़ा. तो इसमें आप देखोगे छोटा से बड़ा हम कैसे लिखेंगे. देखो पहले हम देखेंगे पॉइंट से पहले का, क्या बोला पॉइंट बिफोर डेसिमल. अब देखो यहाँ पे आप देख रहे हो ये हमारा क्या है 31, ये क्या है 13, ये क्या है 31, ये क्या है 3. मैं पॉइंट के बाद की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पॉइंट से पहले वाला, ठीक है. तो इसमें अगर 31 है, ये 13 है, ये 31 है, ये 3 है. तो असेंडिंग मतलब छोटा से बड़ा, तो इसमें छोटा कौन सा हो गया 3, तो हम 3 वाले को पहले लिख देंगे, ओके. तो ये क्या हो जाएगा 3.105. उससे बड़ा कौन आएगा 13, तो ये हमने लिख दिया 13. अब बाकी 2 बचे, वो जो 2 बचे ना, तो मैं देख रहा हूँ यहाँ भी 31 है, यहाँ भी 31 है. फिर अब मेरे को ये देखना कि इसमें छोटा कौन है, तो इसके लिए हमें क्या लिखना होगा. अब ये दोनों बराबर है, जब बराबर हैं फिर अब हम पॉइंट के बाहर देखेंगे. यहाँ पे क्या है 0, यहाँ पे क्या है 0, दोनों बराबर है. फिर हम सेकंड
प्लेस ऑफ डेसिमल देखेंगे, यहाँ पर क्या है 4, यहाँ पे क्या है 5। अब आपको साफ समझ में आ गया कि ये छोटा है तो इसको हम पहले लिखेंगे, इसके बाद इसको हम बाद में लिखेंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया, यानी कि इन दिस वे वी हैव टू राइट इन व्हाट असेंडिंग ऑर्डर। इन द सेम वे यू कैन डू इट एट होम एंड यू हैव टू डू दिस वन इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ डेसिमल। ओके, तो आई होप सो यू विल डू एट होम एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, बाय बाय।